लो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन शुरू हुआ है नाश्ते से। तो सुबह सुबह दानिया को छोड़कर वापस आए, मैंने कहा कि अच्छा सा कोई नाश्ता हेल्दी बनाया जाए। चीज़ ओए होए, बिरयानी के लिए मैंने चिकन निकाला, ये तो ड्रम स्टिक्स निकल आए हैं। तो क्या किया जाए, ड्रम स्टिक्स की बिरयानी बना लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ड्रम स्टिक्स हैं। इतनी तो बिरयानी हम तीन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बस फिर चिकन को मैंने प्याज और अदरक लहसुन में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया खूब इतना। बस फिर मैंने इसमें सिंधी बिरयानी मसाला, दही, टमाटर ये मिक्स करके डाल के अब मैं इसको खूब अच्छे से भून लूँगी। ताकि मसाला अच्छा सा पक जाए। लो जी, बादल छट गए और नीला आसमान हो गया। ये यूके का मौसम, इसके कोई सर पैर कोई समझ नहीं आता है इनके मिजाज का। सुबह बेतहाशा बारिश हो रही थी। लो जी, अब इसमें जाएंगे आलू। अच्छा, बहुत से लोग, ख़ास तौर पे कराची वाले, बहुत से लोग बहुत अपसेट होते हैं कि बिरयानी में आलू। लेकिन देखिए, हमारी तो है मजबूरी आलू डालने की। वैसे भी मुझे तो खैर बहुत पसंद है ये सिंधी बिरयानी मसाला है, और इसके अंदर तो डलते हैं आलू। मगर अगर मेरे घर में आलू बिरयानी में ना डलें तो एक कयामत बरपा हो जाए। इसलिए कि दानिया तो गोश्त खाती नहीं है, तो वो आलू और चावल और बस वो बिरयानी उनकी वो होती है। बाकी रह गई बोटियाँ, वो मेरे और इम्तियाज़ के हिस्से में आती हैं। लोगों के घर में खाने में से बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हमारे घर में से शोरबा ख़त्म हो जाता है और बोटियाँ बच जाती हैं। आई रियली डोंट नो, मुझे इतनी शर्म आती है कि अब मैं कितना कम गोश्त डालूं कि वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हर घर के अपने अपने किस्से, हर घर के। मैं अपनी दोस्तों से बात कर रही होती हूँ, कभी कोई मेरी फ्रेंड है या कोई इस तरह बात कर रही होती है। कल भी क्लाइंट आई थी, वो कह रही थी कि घर में से शोरबा बच जाता है और बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैंने कहा लो, मेरे घर में तो एक अलग ही किस्सा है। और इसके बाद फिर इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा हरा मसाला, टमाटर, नींबू, जो जो चीज़ें आपके पास हैं जो आप डालना चाहते हैं, हरी मिर्चें। मैं हरी मिर्चें नहीं डाल रही क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफ़ी मसाले वाला है सालन। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जर्दे का रंग डालूंगी। इसको ढक देंगे। इस वक्त हमने आंच को तेज रखा है, जैसे ही स्टीम बननी शुरू हो जाएगी आंच को बिल्कुल हल्की कर देंगे। देखें इनको दम लग गया है कि नहीं। वाह, ओए होए होए, क्या खुशबू है भाई, माशाल्लाह। ये देखें, माशाल्लाह। और क्या इसका एक एक चावल बिखरा हुआ, निखरा हुआ, लुक्स गुड।
कैसी है? गुड। हाँ मजे की है ना? वाह, और बिल्कुल गला हुआ है गोश्त। और जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद होती है, हमारी दौड़ कॉस्को होती है। कुछ हो ना हो, नहीं शी विल नॉट वेयर इट। जब कुछ समझ में नहीं आए ना क्या करें, तो चलो कॉस्को चलते हैं। कॉस्को तो ऐसा हो गया जैसे वहाँ हमारा होता था नुक्कड़ की दुकान से कुछ ले आओ, इस तरह ये नुक्कड़ की दुकान से हमारा। चलो जी, इनको तो बस इलेक्ट्रॉनिक्स में छोड़ दो, बस यही खुश हैं। ये ज़रा ट्रॉली तो आप चलाएं। £3,000। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ना मैं नहीं चाहिए। उस तरफ चले, ये तो हुडीज है मेरा ख्याल है। फूलों का तो अब सीजन ख़त्म हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं। क्रिसमस का सामान आ गया हर जगह। बस इधर ये देखें, डिजिटल ड्यूल एयर फ्रायर इज $74.99 विद टैक्स, इट्स $89.98, यानी कि £90 का है ये ड्यूल वाला। कितने लीटर का है ये? चश्मा तो लगाया हुआ नहीं है कि कुछ पता चले। 7-in-1। एक ये छोटा वाला है, पर ये भी डिजिटल है, और ये है £42 का। ये देखें भाई साहब, ऐसे अच्छा। अच्छा ये हमने लिया था, ये बहुत अच्छा है, रियली लाइक इट। अच्छा ये देखो, ये इंस्टेंट पॉट का मल्टी कुकर प्लस एयर फ्रायर, और ये कितने का है? 155, 156। इसका ये फ़ायदा है कि चिकन किचन में दो चीज़ें रखने के बजाय इसमें चिकन बनाएं। गार्लिक एंड कोरिएंडर के लिए। हाँ ये ठीक है, हाँ वो ठीक है, सही है, ओके। अच्छा वो these are the ones. फ्लेमिंग है ना वो वाले, फीके हैं। हाँ वो भी हलाल है बाय द वे। अच्छा इनके एक ये वाले, ये जो है ना रोस्ट चिकन ब्रेस्ट, ज़रा इसको चेक कीजिएगा, ये हलाल है। हाँ दिखाएं, ये भी हलाल है। अरे ये देखिए कितना जबरदस्त है, फाया। अच्छा 400 की थी, 333 प्लस वैट है ना, 400 हो गया ना,
400 से 300 ग्रेवी है। खूबसूरत है वैसे।